गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 19, पॉल्यूशन ऑफ एयर. टुडे आई विल डिस्कस विद यू ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन हाउस? एज द नेम इंडिकेटेड, ग्रीन हाउस इट इज गिवन अ स्पेशल ग्लास हाउस इन विच प्लांट्स आर ग्रोन. द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ सोयल इनसाइड द ग्रीन हाउस रिसीव द सन रेडिएशन ओनली थ्रू इट्स ग्लास वॉल्स. The temperature inside the greenhouse is higher than the temperature outside. This is because the rays entering from the glass wall of the greenhouse get trapped there. Simply, greenhouse kya hai aapka? House which is made up of glass, जिसमें आपकी radiation क्या है? Sun की radiation क्या अगर आती है इसमें? Trap कर लेती है. और जो inside temperature है greenhouse का, that is much more than that of your outside temperature. Because जो आपकी rays enter कर रही है उसको क्या कर लेते हैं, ये trap कर लेते हैं. That's why inside temperature is more than that of your outside temperature. Greenhouse effect. Sun rays warms the earth surface. A part of radiation falling on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into the atmosphere. Some gases like carbon dioxide, methane, water vapors, nitrous oxide, chlorofluorocarbon have the capacity to trap some of the heat radiation that are reflected from the earth. These gases are called greenhouse gases. ठीक है? Sun rays क्या करती है? Earth atmosphere को warm करती है. Some of rays क्या करती है? Earth absorb कर लेती है. And some of them reflected back. और जो रेज आपकी रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं उसमें से गैसेस हैं, जैसे आपकी गैसेस दोज आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफोरो कार्बन, दे आल्सो ट्रैप द हीट रेडिएशन. सो इन गैसेस के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? ग्रीन हाउस गैसेस. द रेडिएशन ट्रैप बाय दीज गैसेस फर्दर वार्म द अर्थ. दिस वार्मिंग इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. The name greenhouse effect is given to this phenomena because it is similar to a corresponding effect in the greenhouse effect. ठीक है, एक तो अर्थ ने पहले से ही आपकी रेडिएशन को क्या किया, ठीक है, वार्म कर दिया, अर्थ टेम्परेचर को ट्रैप किया है. और फिर जो आपकी एटमोसफेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं ये भी क्या करती हैं, कुछ रेज को ट्रैप कर लेती हैं, जिसके कारण अर्थ का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो और ज्यादा क्या जाता है, हीटअप हो जाता है, वार्म हो जाता है. तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसको सिमिलर टू ग्रीन हाउस क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे उसका इनसाइड टेम्परेचर ज्यादा होता है ग्रीन हाउस में एज कम्पेयर टू आउटसाइड, सिमिलरली ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर, क्योंकि रेडिएशन अर्थ भी ले रहा है और साथ साथ ये गैसेज है ये भी ट्रैप कर रही है, तो एटमोसफियर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. दैट्स वाई दीज टू, ग्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, दे बोथ आर सिमिलर. After that, what are the causes of increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere? The first, coal and wood, when burnt as domestic fuels, release carbon dioxide gas into the atmosphere. ठीक है, wood और coal जब burn करता है तो क्या release करता है, carbon dioxide gas. और carbon dioxide gas आपकी atmosphere में बढ़ती है, that means there is इंक्रीज इन द टेम्परेचर. अर्थ का टेम्परेचर जो क्या है आपका, बढ़ जाता है. आफ्टर दैट, थर्मल पावर प्लांट्स यूज द हीट प्रोड्यूस थ्रू बर्निंग ऑफ कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ऑब्वियस ही बात है कि थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं बाई यूजिंग कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और इससे क्या होगा, एनामरस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, एटमोसफेयर में रिलीज होती है. और इन गैसेस के पड़ने से क्या है, टेम्परेचर राइज करता है. इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन कॉजेस इम्बैलेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर. विद फीवर प्लांट्स कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, हैंस रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट रिलीज्ड बैक इनटू द एटमोसफेयर. ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे क्या होता है, सारा इम्बैलेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड
और कार्बन साइकिल जो है वो क्या होता है एटमोसफेयर में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फीवर कम प्लांट्स रह गए हैं जो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स। लेकिन जब प्लांट्स ही आपके कम रह गए हैं तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन पावर कम हो गई है, और इन द रिवर्स बैक वो हमें क्या देते थे, ऑक्सीजन। तो कम प्लांट्स हैं तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन भी कम दे रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है CO2 परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रही है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका अर्थ एटमोसफेयर में, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और जिससे आपके जो ग्लेशियर हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आफ्टर दैट कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड सेकेंड मेजर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ग्रीन हाउस के कारण क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, एंड दिस इज सेट टू बी योर ग्लोबल वार्मिंग। तो हेयर द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन हेयर, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, एंड दिस इज सेट टू बी योर ग्लोबल वार्मिंग। लाइकली कंसिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर विल मेल्ट एट हाई रेट एंड दिस विल लीड्स टू राइज इन द सी लेवल रिजल्टिंग इन द फ्लड्स एंड द लॉस ऑफ सोइल। ठीक है, इससे फिर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से CO2 परसेंटेज बढ़ रहा है, CO2 परसेंटेज बढ़ने से क्या हो रहा है, अर्थ एटमोसफेयर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं ज्यादा रेट पर, और जिससे क्या हो रहा है, लेवल वाटर का बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, और अनवांटेडली फ्लड्स और लॉस ऑफ सोयल हो रहा है। सेकेंड, वार्मिंग ऑफ एटमोसफेयर ऑफन लीड्स टू फॉरेस्ट फायर, दीज हैव बिकम मोर कॉमन ओवर द ईयर्स। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, अनवांटेडली फॉरेस्ट में आग लग जाती है, और ये कुछ सालों से बड़ा कॉमन हो रहा है। अभी आपने देखा भी होगा, अभी रिसेंटली न्यूज थी अमेजोन के जंगल्स में क्या था, आग लग गई थी, और ऑस्ट्रेलिया के तो फॉरेस्ट में कितने समय तक आग लगी रही, इट टेक राउंड अबाउट 4 to 6 months टू ओवरकम सच द फायर्स। सो आफ्टर दैट सेकेंड मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी चेक्ड बाय चेकिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। A number of measures have been suggested to achieve this. ठीक है, बहुत सारे efforts किए जा रहे हैं to minimize global warming. One of the very very important for global warming is that we should plant more and more trees. When the percentage of trees will increase, it will reduce the global warming effect. So first है आपका the use of fossil fuels such as wood, coal, पेट्रोल एक्सेट्रा शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, इनका जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। कौन से आपके फॉसिल फ्यूल, जैसे वुड है, कोल है, पेट्रोल। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेट फ्रॉम HEP एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। फिर आपका जो डिफॉरेस्टेशन है, इट शुड बी स्टॉप्ड। ये बिल्कुल रोक होना चाहिए पेड़ों की कटाई पर। सेकेंड, मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड हैव टू प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स। यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मस्ट बी रिड्यूस्ड। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं दैट आर यूजेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट दे शुड हैव टू बी मिनिमाइज। कम से कम यूज करना चाहिए, हो सके तो ना ही इसका यूज करें। सो दीज आर द मेजर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, एंड वी कैन यूज और रिड्यूस देम विद वाइज यूज। सो डू यू नो एन इंक्रीज इन अर्थ एटमोसफियर बाय इवन एट लिटल एज 0.5 degree Celsius कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स लाइक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। देखो देखने में कितने 0.5 degree Celsius, सिर्फ इतनी परसेंटेज है, बट इसके ही इतने बढ़ने से आपका देखो ग्लेशियर क्या हो जाते हैं, आपके मेल्ट हो जाते हैं।
सो दीज आर दी कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. वन ऑफ द रेमेडी फॉर दिस इज दैट वी शुड हैव टू यूज प्रॉपर एंड वाइज यूज ऑफ अवर फॉसिल फ्यूल एंड मोर ट्रीज शुड हैव टू बी प्लांटेड. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.